सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। दिस इज कमल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। होप करता हूँ सब लोग मेरी तरफ बढ़िया होंगे, और भाई बढ़िया होने भी चाहिए। सो फ्रेंड, आज का सीन कुछ ऐसा है। देखो, पहले तो आज मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि यार कल बारिश पड़ी थी मस्त वाली एकदम, एंड आज भी मौसम हो रहा है बारिश का। लेकिन कोई नहीं, कल का व्लॉग बारिश की वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि यार कल सुबह भी बारिश पड़ रही थी दिन में, और अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है। बट क्या है कि मेरे को अभी काम जाना है, गुड़गांव के लिए निकल रहा हूँ, तो सोचा आपके लिए व्लॉग ही बना दूं। तो जैसे कि ग्रीन लाइट अपनी हो चुकी है भाई। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लच के बारे में, कि हम लोगों के तीन पोजीशन क्लच की होती हैं, एक फुल क्लच डिसएंगेजमेंट, एक पार्शियली क्लच एंगेजमेंट, एंड तीसरा होता है फुल क्लच एंगेजमेंट। तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हमको किस किस तरीके से क्लच का यूज़ करना चाहिए। अगर आप नए राइडर हो तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि तीनों पोजीशन में क्लच आपको कब यूज़ करनी है, एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हो तो भाई आपको ये जानने को मिलेगा कि जब आप कंडीशन में क्लच को यूज़ करते हो तो उस समय हमारे इंजन में क्या क्या चल रहा होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे ये क्लच है, और अभी क्लच मैंने फुल पावर से दबाई हुई है। दैट इस क्लच की पोजिशन को हम लोग बोलेंगे फुल क्लच डिसएंगेजमेंट। इस पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा इंजन का क्रैंक शाफ्ट होता है और हमारी गियर की शाफ्ट होती है, उसके बीच का कनेक्शन इस क्लच को पूरी तरीके से दबाने से ब्रेक हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके और गियर में डाल के थ्रोटल भी देंगे तो आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप पूरी तरह से क्लच को प्रेस करते हो, क्लच प्रेस होने के बाद वो जो कनेक्शन है दोनों का, गियर शाफ्ट और इंजन क्रैंक शाफ्ट का, आपस में से तोड़ देती है, जिसकी वजह से बाइक मूवमेंट नहीं कर पाती। और इसको हमें कब कब यूज़ करना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं पहले। तो फ्रेंड, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी अपनी बाइक को मैं थोड़ा सा पुश करूँगा, एंड अब आप ये देखो, मैं जैसे ही अपनी बाइक को पुश करूँगा, मेरी बाइक की डिमांड है कि अब उसको गियर चाहिए। तो मैंने क्या करना है, क्लच पूरी दबानी है, गियर डालना है और उसको छोड़ देना है धीरे धीरे। तो पहला तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप क्लच को पूरा करोगे, प्रॉपर तरीके से दबाओगे, तो गियर आपका स्मूथली शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप कभी जाम में चल रहे हो या आपको प्रॉपर तरीके से अपनी बाइक रोकनी हो, तो गियर डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करने के लिए हमेशा आपको फुल क्लच का ही यूज़ करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जब आप जाम में जाके खड़े हो रहे हैं, तो या तो आप अपनी बाइक को न्यूट्रल करके वहाँ पे इंजन ऑफ कर दें, या फिर अगर आपका एक दो सेकंड, 10 सेकंड 20 सेकंड का चलता जाम है, तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर अपनी पूरी क्लच को दबाइए और तब अपनी बाइक को मूव करिए। तीसरी कंडीशन की यहाँ पे बात करें, मान लीजिए मेरी बाइक अभी चल रही है और मैं अपनी बाइक को पूरा क्लच दबाता हूँ और पहला दूसरा तीसरा सारे गियर मैंने डाउन कर दिए। अभी आप स्पीड देखो, 45 की स्पीड है। अगर मैं अपनी क्लच को अभी छोड़ दूँ तो मेरी बाइक की स्पीड बिल्कुल डाउन पड़ जाएगी। रीज़न, जो बाइक क्लच दबाने के बाद पूरी मूव कर रही थी, वो केवल रियर टायर के मूवमेंट की वजह से कर रही थी। अगर क्लच को मैं छोड़ देता तो बाइक उतनी स्पीड में या तो मेरे को पुश करनी पड़ती, या अगर मैं क्लच को छोड़ देता चलती हुई बाइक पे 40, 50, 55 की स्पीड और पहले गियर में लाके शिफ्ट कर देता, तो मेरी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती। तो दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपकी बाइक अभी चल रही है स्पीड में और आपको हल्का आराम लेना है, आप अपनी बाइक का आराम से क्लच दबाइए और बाइक की मूवमेंट रहने दीजिए, तो आपकी बाइक की मूवमेंट रनिंग कंडीशन में उसी तरह रहेगी जैसे आप एक्सीलेट करते समय रख रहे थे। तो फ्रेंड, ये तो हुई अभी बात फुल क्लच डिसएंगेजमेंट की। अब हम बात करने वाले हैं हाफ क्लच के बारे में। हाफ क्लच, और टेक्निकल भाषा में अगर उसकी बात करें तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली क्लच एंगेजमेंट, एंड वो भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। जैसे कि भी आगे सामने तो यार रेड लाइट हो रही है, तो मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। मेरी बाइक न्यूट्रल में अभी ये देखिए, ये हाफ क्लच की पोजीशन होती है ये वाली। आपकी फुल क्लच ना पूरी छूटी हुई है ना पूरी स्क्वीज की हुई है, ये है आपकी हाफ क्लच की पोजीशन।
इस कंडीशन में जब आप गियर डालते हो तो आपकी बाइक हल्का सा झटका आपको देती है। अब देखो ये हम हाफ क्लच के जो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है क्लच। हाफ क्लच हमारे लिए बहुत ज़्यादा, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। हमारे गियर गियर बॉक्स को दिक्कत हो सकती है, इससे हमारी क्लच प्लेट जल सकती है यूज़ करने से हाफ क्लच को। ये हमारे इंजन की पावर को भी रिड्यूस करता है। एंड लास्ट थिंग इज़ कि ये हमारा जो माइलेज है बाइक का, ये उसको भी इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि हाफ क्लच किस किस कंडीशन में हमें यूज़ करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में आपको बताता हूँ, जब आप इनिशियल गियर इनिशियल एक्सीलरेशन कर रहे हो। इनिशियल एक्सीलरेशन मतलब, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से रेड लाइट हो गई यार। इनिशियल एक्सीलरेशन, आपने बाइक पूरी तरीके से रुकी हुई है, आपने अपनी बाइक स्टार्ट करी एंड आपने पहला गियर लगाया, तो आपको हाफ क्लच की पोजीशन पे ही आना पड़ेगा अपनी बाइक को मूवमेंट दिखा देने के लिए। पहली कंडीशन तो फ्रेंड्स ये हो गई, क्योंकि मैं यार ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं, आपको बिल्कुल ईजी और आसान भाषा में समझा दूँगा। पहली पोजिशन तो ये हो गई। दूसरी पोजिशन है जब आप अपनी बाइक को अपहिल कर रहे हो, यानी कि चढ़ाई चढ़ाई पे अपनी बाइक को चढ़ा रहे हो, तब आपकी बाइक को हाफ क्लच की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो भी 50% 70% अपनी बाइक का क्लच यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मेरे को धीरे धीरे अपनी बाइक मूव करानी है, पहले गियर में छोड़ रखी है। मेरी बाइक की अभी जो RPM है लगभग 1,000 1,500 के आसपास है, तो जिसकी वजह से बाइक मेरी हाफ क्लच पे भी मूव कर रही है। तो फ्रेंड तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी, हमें कब कब हाफ क्लच यूज़ करनी चाहिए। पहला, जैसे अभी देखो मैंने बाइक चलाई तो हाफ क्लच लिया। दूसरा, जब मैं अपनी बाइक को चढ़ाई पे चढ़ाऊंगा तब वहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ होगा। एंड तीसरी थिंग इज़ कि जब ये मेरे को रोकेगा ज़रूर, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लास्ट चीज़ है कि जब आपकी बाइक आप पानी वगैरह में चला रहे हों, आप कीचड़ में चला रहे हों, या ऐसी कहीं चीज़ जहाँ आपकी बाइक को ज़्यादा पुश करना पड़ रहा हो पहले दूसरे गियर में, तब वहाँ पे आप हाफ क्लच को यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी इम्पोर्टेंस के हाफ क्लच की क्या इम्पोर्टेंस है। अब दूसरी चीज़, अब बात करते हैं हम डेंजर कैसे है। तो जब आप अपनी क्लच को हाफ दबा रखा हो और अपना इंजन पूरा ऐसे एक्सीलेट कर रहे हो, आप मेरे इंजन की आवाज़ चाहिए देख रहे हो, इसका मतलब हुआ कि हाफ क्लच 70% दबी हुई है मेरी, और इंजन से पावर, मेरे थ्रोटल से पावर मेरे इंजन को जा रही है, क्रैंक शाफ्ट पूरा घूम रहा है। तो जो क्रैंक शाफ्ट और गियर शाफ्ट में पावर है वो 70% जा रही है, ठीक है, रनिंग पूरा हो रहा है मेरा इंजन, लेकिन पावर जो है 70% ही जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी बाइक का क्लच प्लेट जल भी सकता है, मेरी बाइक के पावर भी हार्म हो सकती है इससे। तो हमें हाफ क्लच इस तरीके से यूज़ करनी है कि हमारे जो इंजन में जब हम इंस्टेंट एक्सीलरेशन करते हैं या इनिशियल एक्सीलरेशन जब हम करते हैं चलाने के लिए 0 to 1, 1 to 1 से, तब हम हाफ क्लच का यूज़ करते हैं इनिशियल एक्सीलरेशन के लिए। दूसरा होता है कि जब हमें अपनी बाइक चढ़ाई पे चढ़ानी हो तब हमें हल्का सा हाफ क्लच का यूज़ देखो करना पड़ता है। रीज़न है, अगर बाइक को हाफ क्लच के तो उस पर आप फ्रिक्शन जोन में नहीं रखोगे अपनी क्लच प्लेट को, तो आपकी बाइक प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ पाएगी। आपने पूरा क्लच छोड़ दिया है तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी या फिर आपकी बाइक पीछे आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते उस कंडीशन में, आपको वहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो जो मेरे को पता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सीखा है या कुछ है। हाँ, जो कंडीशन मैं अपने साथ अप्लाई करता हूँ, मैं आपको स्मूथ कंडीशन बता रहा हूँ। इससे पहले जो मैं अपनी बाइक चलाई भी, आज तक मेरे को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं अलग अलग तरह की बाइक चलाते हुए, आज तक ना मेरी बाइक का इंजन हार्मफुल हुआ। मैंने 5 5 7 7 साल बाइक रखी हुई है, 10 साल से ज़्यादा मैं बाइक चला रहा हूँ। तो मेरी अभी लेटेस्ट ही मैंने बाइक बेची है अपनी होंडा SP शाइन, उसको भी मैंने 5 से 6 साल ऑन किया है, लेकिन आज तक ना मेरी बाइक का इंजन ख़राब हुआ है ना क्लच प्लेट खराब हुई है। रीज़न, इस्तेमाल करने का तरीका। तो फ्रेंड अब ये तो हो गई हमारी दो चीज़, अब बात करते हैं हम तीसरी चीज़ की, फुल क्लच एंगेजमेंट कब करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए मेरी बाइक बिल्कुल स्क्वीज़ की हुई है, ये डिसएंगेज मोड में है। अभी देखो मेरे हाफ क्लच से पोजिशन पर अब मैं इसको फुल छोड़ दिया, अभी मैंने फुल स्क्वीज़ किया एंड फिर धीरे धीरे हाफ क्लच पे आया एंड पूरा छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, फुल क्लच यूज़ करने का फ़ायदा, जैसे भी आप हाफ क्लच से धीरे 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 रिलीज़ करते हो फुल क्लच पे, तब आपकी बाइक बिल्कुल एकदम फ्री जोन में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बाइक अच्छे मूव करने लगती है। लेकिन क्लच कैसे यूज़ करनी है, ब्रेकिंग कैसे करनी है,
जाम में बाइक कैसे ड्राइव करनी है, या फिर और कोई आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में मुझे पिंग करो, मुझे मेरे इंस्टा पे पिंग करो, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। एंड आपके लिए अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉपर वीडियो भी चाहिए तो मैं वो भी आपको ला के दे दूंगा। तो होप करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और फेवरेट पार्ट अपना कमेंट करके बताना कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन गुड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।